नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। खबर है कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए करीब 125 लोगों की लिस्ट तैयार की है। पूछताछ के जरिए महंत के सुसाइड नोट में लिखी गई हर बात की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश में सीबीआई आरोपी आनंद गिरी को लेकर पुलिस हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार में आनंद गिरी आश्रम बनवा रहे हैं, लिहाजा वहां से सीबीआई को अहम सबूत मिलने की खबर मिली है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि करीब एक हफ्ते की जांच के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए 125 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। खबर है कि इस लिस्ट में एक पूर्व मंत्री और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नाम भी शामिल है। इनके अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिस्ट में है। इस लिस्ट में शामिल कई लोगों से सीबीआई पूछताछ भी करेगी। ये भी खबर है कि लिस्ट में शामिल कई लोगों के मोबाइल फोन नंबरों की निगरानी की जा रही है। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच में जुटी सीबीआई बारीकी से हर एंगल पर छानबीन कर रही है। एक तरफ हत्या के एंगल पर छोटे से छोटा सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, वहीं फोरेंसिक जांच के जरिए सच का पता लगाने की कोशिश जारी है। इस बीच फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से अब ये बात साफ हो चुकी है कि महंत के सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर नरेंद्र गिरी के ही हैं, साथ ही लिखावट भी उन्हीं की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को हरिद्वार के आश्रम में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी मदद से महंत की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है। जांच में जुटी सीबीआई एक दिन पहले ही आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची थी और वहां करीब 16 घंटे बिताने के बाद प्रयागराज लौटी। खबर मिली कि सीबीआई को हरिद्वार में नरेंद्र गिरी के शिष्य और मामले में आरोपी आनंद गिरी के आश्रम से एक सीडी मिली है। खबर है कि इस मामले में सीबीआई आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से अलग अलग पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सीबीआई ने आनंद गिरी का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। उधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ने बाघम्बरी मठ की गद्दी का रास्ता भी साफ कर दिया। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में बलवीर गिरी को बाघम्बरी मठ की गद्दी सौंपे जाने का फैसला ले लिया गया। दावा किया गया कि 5 अक्टूबर को बलवीर गिरी की महंताई की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़े का कामकाज ठीक ढंग से चल सके, इसके लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन भी किए जाने का ऐलान किया गया। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संत शामिल हुए। उधर महंत की मौत का सच जानने में जुटी सीबीआई के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने नरेंद्र गिरी को परेशान किया हुआ था। सुसाइड नोट में जिन तस्वीरों और वीडियो का जिक्र किया गया है वो क्या है और कहां है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई कई दस्तावेजों